एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हापुड़ के ब्लॉकगढ़ मुक्तेश्वर में स्थित फूट गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान दीन मोहम्मद हैं। ग्राम प्रधान दीन मोहम्मद को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की बागडोर सौंपी है। लगभग 3800 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान में गांव में 12 विधवा पेंशन, 4 वृद्धा पेंशन व 5 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में भी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 21 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, स्कूल की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 200 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, पशु चिकित्सालय, तालाब, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवासों के निर्माण की मांग की है। मेरा नाम दीन मोहम्मद है, ग्राम कोट का वर्तमान प्रधान है। मेरा ब्लॉक गढ़ मुक्तेश्वर है, जिला हापुड़ है और मुझे जो भी सरकार ने पैसा दिया है मैंने बहुत ईमानदारी के साथ उस पैसे को गांव के विकास में लगाया है। मैंने जो बहुत ज़्यादा रास्ते खराब थे उन पर सड़कें लगवाई हैं, इंटरलॉकिंग लगवाई हैं, खरंजे लगवाए हैं और सरकारी स्कूल में बहुत सारे गड्ढे थे, 5-5 फुट गहरे गड्ढे थे जो मिट्टी भराव कराया है। मेन गेट नहीं था, 4 दीवारी नहीं थी वो लगवाई है, 4 दीवारी करा दी, 35 लोहिया आवास बनवा दिए और करीब 200 के लगभग 200 से कुछ ऊपर शौचालय बनवाए हैं, चैनल लगवाए हैं नालियों के लिए बहुत। और अब मुझे सबसे पहले मेरे गांव के पानी की निकासी अच्छी नहीं है, मुझे 3 तालाबों की सख्त आवश्यकता है और मेरे गांव के बहुत सारे विधवा ऐसी हैं जिन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है। मेरे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर साल आए साल कोई ना कोई अनहोनी घटना घट जाती है, कच्ची झोपड़ियों में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके घरों में आग लग जाती है। मुझे प्रधानमंत्री आवास की सख्त आवश्यकता है। और दूसरी समस्या मेरे साथ ये है कि कोई जच्चा बच्चा अगर किसी जच्चा को परेशानी हो जाती है तो मेरे गांव से करीब 25 किलोमीटर अस्पताल पड़ता है, कुछ ना कुछ साल दो साल के बीच में अरसे गलत बीत जाते हैं, कोई अनहोनी घटना भी घट जाती है। मुझे अस्पताल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और करीब 3-4 सड़कें रास्ते ऐसे कच्चे हैं जिनमें पानी भरा रहता है, उसमें पैसे की ज़रूरत है। पुष्पावती कूट के नाम से ये गांव प्रसिद्ध है, सदियों से एक पुराना घाट माना जाता है, कच्चा घाट है, 2 मेले लखी लगते हैं जिन मेलों पर एक दो अनहोनी घटना घट जाती है। कच्चा घाट होने के नाते मुझे पक्का घाट देने की कृपा करें। मेरा गांव सबसे पछावा गरीब है और इन गरीबों की वृद्धा पेंशन देने की कृपा करें, विधवा देने की कृपा करें। बहुत बहुत लोग कमजोर हैं जो कच्ची झोपड़ियों में रहकर अपना गुजारा करते हैं और वह यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त। हाँ जी, मेरा नाम गुल हसन है, मैं ग्राम पोट का रहने वाला हूँ, जिला हापुड़ है। जितना भी सरकार ने पैसा दिया है हमारे ग्राम प्रधान श्री दीर मोहम्मद जी ने सारा ईमानदारी से पैसा लगाया है और इंटरलॉक लगवाई है, शौचालय बनवाए हैं, सरकारी आवास बनवाए हैं और हमारे गांव में 2-4 और रास्ते कच्चे हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, उसको ठीक कराने की व्यवस्था कराएं और प्रधानमंत्री आवास देने की कृपा करें।